फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट गोल्ड ETF। अब दोस्तों, गोल्ड ETF क्या होता है? जैसा कि हम सबको पता है, ETF is a very simple way of investment. ETF is going to transform the way how invest in market. हमने मार्केट में कैसा इन्वेस्ट किया है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी इंसान के फंड मैनेजमेंट के स्किल के यूज के हम डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में थ्रू ETFs। आइए, अब दो अपना अगला प्लेटफॉर्म है वो है गोल्ड ETF का। तो आप सभी को पता है, इंडिया इज अ गोल्ड लविंग नेशन। भारत में गोल्ड लवर्स हर जगह हैं, स्पेशली साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली मैरिजेस, स्पेशली इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स सोने का काफी महत्व है, काफी यूज किया जाता है। नॉट फॉर पर्पस ऑफ गिफ्टिंग ऑल्सो, बिकॉज इट होल्ड्स अ ट्रेडिशनल वैल्यू, ऑल्सो इट हैज अ सिक्योरिटी माइंड में, एक सिक्योरिटी आपके अटैच्ड होता है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ कहा गया है, क्योंकि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म देखा जाए तो रिटर्न अगर बहुत ही अच्छा नहीं है, बट इट इज ओके। व्हाई? बिकॉज गोल्ड हैज ऑलवेज बीन अ डार्लिंग, नॉट ओनली फॉर लेडीज बट इट इज फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा आप सबसे, जिसमें हम लोग गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में और अच्छे से समझेंगे। पहली चीज, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रिस्क। आपको पता है, फिजिकल गोल्ड कभी भी आप खरीदते हैं उसमें दो रिस्क होता है, पहला प्यूरिटी का, दूसरा थेफ्ट का। दोस्तों, आप सोना जो खरीदते हैं वो कितना प्योर है उसके, ठीक है, हॉलमार्क्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, बट उसमें चांस ऑफ थोड़ी ना थोड़ी एडिशन की हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं गड़बड़ी होने की चांसेस है। दूसरा है दोस्तों थेफ्ट का। फिजिकल कस्टडी ऑफ गोल्ड हमेशा से काफी एक्सपेंसिव है, आपको बैंक में लॉकर या कहीं ना कहीं उसको एक कस्टडी लेना ही पड़ता है, जहां पे आप अपना पैसा, जहां पे आप पैसा रखते हो वहीं पे आपको अपना गोल्ड भी रखना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, हम लोग जो ETF में इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों पॉइंट से हमें निजात मिलती है, मतलब कि हमारा प्योरिटी भी 100% है और थेफ्ट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी फंड है वो डीमैट के फॉर्म में है। डीमैट मतलब डीमेटेरियलाइजेशन के फॉर्म में सारा वेल्थ इन्वेस्टेड है। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है कि गोल्ड ETF अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट ट्रेडिशनली करते हैं, गोल्ड ETF हैव ऑलवेज बीन अ डार्लिंग, मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है काफी सेफ है, काफी सक्सेसफुल है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक पीरियोडिक रिटर्न देने वाला है। तीसरी चीज, आज के टाइम जो गोल्ड ETFs में वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपको जब भी ETF बाई करना है आप उसके यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, आप उसको यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, जितनी डिमांड उतनी यूनिट्स परचेज करना, यहां आपको हमेशा याद रखना है मिनिमम एक यूनिट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो हमेशा इसको आप दो तरीके से फिर से खरीद सकते हैं, SIP, लमसम और डायरेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन। तो आपको गोल्ड ETF खरीदने के लिए आज ही आप अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाइए और उसमें आप डायरेक्ट गोल्ड ETF भी खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि, चौथा पॉइंट है कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। सपोज आपको ड्यू टू एनी इमरजेंसी आपको गोल्ड सेल करना पड़ जाता है, तो आप उसके ETF सेल कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली आपको एज पर इनकम टैक्स रेगुलेशन यू हैव टू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट दोस्तों, आपने एक चीज सोचा है, आपका आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? द रीजन, नंबर वन रीजन व्हाई यू इन्वेस्ट एंड आई इन्वेस्ट इज बिकॉज ऑफ सेफ्टी। हमें पैसों को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है मतलब इट शुड हैव अ सेफ्टी इन बिल्ट इन टू इट। पांचवी चीज जिसको कहते हैं इजी इन ट्रांजैक्शन, मतलब अगर आप देखा जाए तो कितना स्मूथ है एक ETF में इन्वेस्ट करना। अगर आप एक फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी की बात करते हैं, आपको मार्केट जाना पड़ता है, आपको उसको गोल्ड खरीदना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप गोल्ड को हमेशा कैरी कर सकते हैं, आपको उसको एक वेयर हाउसिंग में, उसको आप एक सेफ्टी में, वॉल्ट में डालते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स लॉट्स एंड लॉट ऑफ हैसल, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आपको लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी दूर करनी है तो आज ही गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट कीजिए। लास्ट पॉइंट जो कि जिसको कहते हैं कि गोल्ड हैज ऑलवेज बीन पैराडाइज फॉर गोल्ड लवर्स, मतलब गोल्ड लवर्स को हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। तो आज ही अपने आप को, जो गोल्ड लवर्स हैं अगर उनको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है तो कोशिश कीजिए आज ही गोल्ड ETF को सब्सक्राइब कीजिए, आज ही आप उसको बाई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड से में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है थ्रू रेकरिंग चैनल, तो गोल्ड ETF में आज ही SIP स्टार्ट कीजिए। बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने गोल्ड ETF में SIP रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेती हैं,
अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो अभी कमेंट में मेंशन कीजिए, हम लोग आपके एक एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस गोल्ड ETF के वीडियो को कंक्लूड करता हूं। आज ही अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके को बदले और इन्वेस्टमेंट को हमेशा प्रथम प्रायोरिटी दे। तो विद दिस आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए टैक्स फॉर वेल्थ। थैंक यू सो मच।